आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी गुड लक एंजल तोशिका रजोरा। आपको पता है कि रोजमर्रा में होने वाली छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी जिंदगी में? नहीं ना, इसलिए तो मैं रोज आती हूँ आपसे गुफ्तगू करने, ताकि आपकी कोई भी उलझन यूं ही ना रह जाए, क्योंकि हर चीज को सुलझाने का आपसे मेरा वादा जो है। स्टोन का इम्पैक्ट सबसे पहले आपके मन और माइंड पे पड़ता है, एंड उसके बाद आपके शरीर पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राशि और लगन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो राशि होती है वो आपके मन के बारे में होती है, और जो लगन होता है वो आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है। तो जो स्टोन होते हैं वो हम आपके मन को नहीं, आपकी बॉडी को पहनाते हैं। इसीलिए मैं जो भी स्टोन अभी बताने जा रही हूँ वो आपको लगना के ही हिसाब से पहनने। बात करते हैं रूबी के बारे में। रूबी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्टोन होता है। रूबी पहनने वालों का माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। रूबी अपने आप में प्रेस्टीज दिलाता है, हायर अथॉरिटीज को सॉल्व करता है, लॉ से रिलेटेड एंड स्पेशली आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम को भी अच्छा करता है। रूबी से आपकी आईसाइट भी ठीक हो जाती है। लेकिन किन लग्नों को रूबी नहीं पहनना चाहिए? वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को रूबी नहीं पहनना चाहिए। वहीं पे बात करते हैं अगर मून के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पर्ल के बारे में। पर्ल तब पहनाया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा एंगर हो, डिप्रेशन हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हो और आपको समझ ना आ रहा हो आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम पर्ल को पहनाते हैं। लेकिन किन को नहीं पहनना चाहिए? टॉरस, जेमिनाई, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वाले लगना लोगों को नहीं पहनना चाहिए पर्ल स्टोन। बात करेंगे मूंगे के बारे में, जो मार्स से एसोसिएटेड होता है। देखिए, मूंगे के बारे में बात करें तो जिन भी लोगों को कोल्ड कफ या फिर ब्लड प्योरिफिकेशन से रिलेटेड दिक्कत है, जो भी लोग बहुत ही ज्यादा एनेमिक है, बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में हर समय फील करते हैं, जिनको इम्पोटेंसी की कमी है, PCOD जैसे इश्यूज जिनको होते हैं फीमेल्स को, ऐसे लोगों को हम मूंगा पहनाते हैं। लेकिन कौन से लगना को ये नहीं पहनना है? जेमिनाई, वर्गो और लिब्रा वालों को ये नहीं पहनना है। पन्ने की अगर बात करें, एमरल्ड अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्टोन है, लेकिन पन्ना तब पहना जाता है जब किसी को स्टैमरिंग यानी बोलने में प्रॉब्लम हो। पन्ना जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ग्रास्पिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। किन लगना वालों को ये नहीं पहनना चाहिए? एरीज, स्कॉर्पियो और कैंसर वालों को ये नहीं पहनना चाहिए। बात करेंगे एक और स्टोन के बारे में। मैं बात कर रही हूँ जी हाँ, पुखराज के बारे में। पुखराज जो येलो कलर का स्टोन होता है, बहुत ही कॉमन स्टोन होता है, जुपिटर से रिलेटेड दिक्कतें या जुपिटर को इन्हांस करने के लिए पहनाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए पुखराज बहुत अच्छा रहता है। आपकी टीचिंग फील्ड, अगर आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है तो पुखराज बहुत ही बढ़िया भाई काम करेगा आपके लिए। आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि पुखराज जो है जुपिटर का काम ही होता है अपने आप में चीज़ों को एक्सपैंड करना। प्रोस्पेरिटी के लिए भी ये स्टोन बहुत ही बढ़िया माना गया है। साथ ही साथ अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप लड़की हैं तो आपको पुखराज ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से लग्ना को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। तो जिनका भी लग्ना, मैं फिर बोलूँगी कि मैं लग्न राशि से यहाँ पर बता रही हूँ, चंद्र राशि से नहीं, तो जिन लोगों का भी लगना टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्यूरस होता है, ऐसे लोगों को पुखराज कभी भी नहीं पहनना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फीमेल्स के सबसे ज्यादा फेवरेट स्टोन के बारे में। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे डायमंड के बारे में। जी हाँ, डायमंड आपको हैप्पीनेस देता है, आपके रिलेशनशिप के जितने भी मैटर्स या डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्लियर करता है, पर्सनल बॉन्डिंग बढ़ाता है। अगर कहीं पे पार्टनर्स को सेक्सुअली दिक्कत आ रही है अपने रिलेशनशिप में तो भी डायमंड्स को हम पहनाते हैं। साथ ही साथ डायमंड जो है आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज को, यानी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपको फैशन हो गया, मीडिया हो गया या फिर कोई भी ग्लैमर फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए डायमंड बहुत अच्छा है। स्पेशली जिन मेल्स की शादी नहीं हो रही है उन्हें डायमंड ज़रूर पहनना चाहिए। कौन से लगना को लेकिन नहीं पहनना भूल कर भी? स्कॉर्पियो जिनका लगना है, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस और सैजिटेरियस वालों को डायमंड कभी भी नहीं पहनना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आज के सबसे पावरफुल स्टोन की। मैं बात करने जा रही हूँ नीलम के बारे में, जो सैटर्न का स्टोन होता है।
आप सोचेंगे कि मैंने सबसे पावरफुल क्यों बोला। भाई क्योंकि नीलम जो है पहनने के कुछ घंटों में ही आपको इसका असर दिखने को मिल जाता है। नीलम अगर आपको फल रहा है तो आपको इसके रिजल्ट्स कुछ घंटों में ही दिखेंगे, कहीं नेगेटिव है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोलूंगी, नीलम जो है वो गुड लक को, आपके वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को एंड सबसे ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज को, अगर आप जॉब सेक्टर में हैं ऐसे लोगों के लिए नीलम बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और आपके लग्न के हिसाब से आपको नीलम सूट करता है तो आपको नीलम जरूर पहनना चाहिए। लेकिन किनको नहीं पहनना है, ध्यान देने वाली बात ये है, लियो, कैंसर, एरी, स्कॉर्पियो, इन लोगों को नहीं पहनना चाहिए कभी भी नीलम। चलिए बात करती हूँ एक और स्टोन के बारे में। मैं बात कर रही हूँ गोमेद के बारे में। गोमेद जो होता है वो राहु का यहाँ पे स्टोन होता है और गोमेद को इसीलिए पहनाया जाता है जब भी आपको लगे कि आपके एनिमीज यानी आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको गोमेद पहनना चाहिए। लीगल प्रोफेशन जिन लोगों का भी है, स्पेशली एडवोकेट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आपके पुलिस में जिन भी लोगों का लीगल से एसोसिएटेड प्रोफेशन है, ऐसे लोगों को देखा गया गोमेद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। गोमेद जो होता है वो आपकी इंट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है। क्यों स्ट्रांग करता है? वो इसीलिए क्योंकि गोमेद जो है वो राहु से एसोसिएटेड है और राहु जो प्लैनेट होता है वो इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, तो जो मैंने लग्न आपको भी सैटर्न के बारे में बताए वो उन लोगों को कभी भी गोमेद नहीं पहनना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आखिर में एक और स्टोन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कैट्स आई। जी हाँ, कैट्स आई जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोन है क्योंकि ये केतु प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। और अगर हम बात करें आपकी जिंदगी में अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो कैट्स आई आपको बहुत अच्छा फल देगा। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक, जिन भी लोगों को लगता है कि उनको ऊपरी बाधा हो गई है या किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए भी कैट्स आई बहुत ही अच्छा रहता है। प्रोटेक्शन के सेंस में कैट्स आई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो भी लोग पॉलिटिशियंस है यानी कि पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं जहाँ पे अपफ्रंट होके आपको अपनी बात रखनी होती है, ऐसे लोगों के लिए भी कैट्स आई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? लियो, कैंसर, एरीज और स्कॉर्पियो वालों को नहीं पहनना चाहिए कैट्स आई। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रही है और आपके पंडित जी कह रहे हैं कि आपका समय तो अच्छा चल रहा है, सितारे भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और बुलंद है, उसके बाद भी आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, कहीं आपने गलत रत्न यानी स्टोन तो नहीं पहना है? आज आपकी गुड लक एंजल आपको बताएगी रत्नों की खूबियों के बारे में। वैसे तो रत्नों की पावर्स उनके कलर्स और वाइब्रेशन के कॉम्बिनेशन से होती है। हमारे शरीर में 7 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम चक्रा भी बोलते हैं और हर एक पॉइंट डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि आप कोई भी रत्न पहनते हैं तो सबसे पहले उसका असर आपके मेंटल लेवल पर पड़ता है, उसके बाद आपके मन पर। स्टोन का इम्पैक्ट सबसे पहले आपके माइंड और मन पर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राशि और लगन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो राशि होती है वो आपके मन के बारे में होती है और जो लगन होता है वो आपकी बॉडी, आपके फिजिकल अपीयरेंस को बताता है। तो जो स्टोन होते हैं वो हम आपके मन को नहीं आपकी बॉडी को पहनाते हैं, इसीलिए मैं जो भी स्टोन्स अभी बताने जा रही हूँ वो आपको लग्न के ही हिसाब से पहनने हैं। बात करते हैं रूबी के बारे में। रूबी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टोन होता है। रूबी पहनने वालों का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। रूबी अपने आप में प्रेस्टीज दिलाता है, हायर अथॉरिटीज को सॉल्व करता है, लॉ से रिलेटेड एंड स्पेशली आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम को भी अच्छा करता है। रूबी से आपकी आईसाइट भी ठीक हो जाती है। लेकिन किन लग्नों को रूबी नहीं पहनना चाहिए? वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को रूबी नहीं पहनना चाहिए। वहीं पे बात करते हैं अगर मून के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पर्ल के बारे में। पर्ल तब पहनाया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा एंगर हो, डिप्रेशन हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हो और आपको समझ ना आ रहा हो आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम पर्ल को पहनाते हैं। लेकिन किन को नहीं पहनना चाहिए?
टॉरस, जेमिनाई, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वाले लग्ना लोगों को नहीं पहनना चाहिए पर्लस्टोन। बात करेंगे मूंगे के बारे में जो मार्स से एसोसिएटेड होता है। देखिए मूंगे के बारे में बात करें तो जिन भी लोगों को कोल्ड कफ या फिर ब्लड प्योरिफिकेशन से रिलेटेड दिक्कत है, जो भी लोग बहुत ही ज्यादा एनेमिक है, बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में हर समय फील करते हैं, जिनको इम्पोटेंसी की कमी है, PCOD जैसे इश्यूज जिनको होते हैं फीमेल्स को, ऐसे लोगों को हम मूंगा पहनाते हैं। लेकिन कौन से लग्ना को ये नहीं पहनना है? जेमिनाई, वर्गो और लिब्रा वालों को ये नहीं पहनना है। पन्ने की अगर बात करें, एमरल्ड अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्टोन है, लेकिन पन्ना तब पहना जाता है जब किसी को स्टैमरिंग यानी बोलने में प्रॉब्लम हो। पन्ना जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है, क्यों? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ग्रास्पिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। किन लगना वालों को ये नहीं पहनना चाहिए? एरी, स्कॉर्पियो और कैंसर वालों को ये नहीं पहनना चाहिए। मेष राशि वालों, देखते हैं कल का आपका भाग्य कैसा बोलने वाला है। क्या आपके कार्ड्स कहते हैं? जी कल के दिन हो सकता है आप अपने फैमिली गेट टुगेदर में इन्वॉल्व हो। कल के दिन अगर बहुत ही लंबे समय से आप प्लान कर रहे थे किसी फैमिली वेकेशन के लिए, फैमिली हॉलीडे के लिए, तो कल का दिन बहुत ही अच्छा है। या आपके रिश्ते की बात चल रही है तो आपका रिश्ता फिक्स होने की भी यहाँ चांसेस लगते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देती है। बहुत ही ज्यादा पैशनेट वे में कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल के अपने गुड लक मीटर में मैं आपको देती हूँ आपके लिए जो काज आए वृषभ राशि वालों, बहुत ही बढ़िया काज आए। कल के दिन हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग ट्रिप्स हो। कल के दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी उस इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ रिलेशनशिप की अगर मैं आपकी बात करूं, आपके स्पाउस की बात करूं, अपने स्पाउस की हेल्थ का बस कल के दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देती है कल के दिन। अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस दीजिए, उन चीजों के बारे में मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए आपको देती हूँ। चलिए जेमिनाई वालों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके भाग्य के बारे में। कल के दिन भाई बहुत ही बढ़िया दिन है अपना स्पेस इकट्ठा करने के लिए। साथ ही के साथ आपके लिए जो भी कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि आप चीजों के बारे में सोच ज्यादा रहे हैं पर एक्शंस लेते हो तो भाई मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको देती हूँ। कर्क राशि वालों, भाई बात करते हैं आपके बारे में। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कल का दिन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा और शुभ रहने वाला है। फादर की अगर मैं बात करूं तो फादर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कोई थोड़ी दिक्कत आ जाए या फादर किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाए, तो कल के दिन कोशिश कीजिए कि उनसे किसी भी बात के पीछे बहस आप ना करें। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको यहाँ पे देती हूँ। चलिए लियो, आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको छोटी मोटी ट्रिप्स पे जाना पड़ जाए। साथ ही के साथ अगर आप बहुत ही लंबे समय से सोच रहे हैं किसी ओवरसीज जाने का, यानी अगर प्लान कर रहे हैं कहीं अब्रॉड जाने का, तो आपके लिए दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल के दिन जो भी प्लानिंग करेंगे अब्रॉड से रिलेटेड वो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे करेगी। बात करें अगर आपकी हेल्थ को लेके तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए आपको देती हूँ। देखते हैं कन्या राशि वालों, कल का दिन आपके लिए कितना ज्यादा शुभ जाने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड है, कल के दिन आपका बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लेवल और लग्जूरियस लाइफ में जाने वाला है। कल के दिन अगर घर से रिलेटेड कोई भी सामान, कोई भी लग्जूरियस आइटम अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे चलेगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देती है कल के दिन के लिए। भाई एंजल्स आपको यहाँ पे करेज का कार्ड दे रहे हैं, किसी चीज के पीछे बहुत ही ज्यादा भाग रहे हैं तो फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे। मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए आपको देती हूँ। चलिए तुला राशि वालों, देखते हैं कि आपके सितारे क्या बोलते हैं। वैसे तो शनि देव बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो रखे हैं आप पे, पर देखते हैं फिर भी कितनी कृपा आप पे और बरसने वाली है। कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या फिर अपने किसी प्रिय व्यक्ति की हेल्थ को लेके आप कल के दिन थोड़े से परेशान रहे, पर आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि स्टार कार्ड अपने आप में ही इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो ये बता रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो समझे कुछ घंटे या कुछ दिनों की ही है, आप बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम से निकलने वाले हैं। कल के दिन के लिए भाई आपके लिए लीडरशिप का कार्ड आया है जो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। लीडरशिप का कार्ड कल के दिन ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए आपको देती हूँ।
तो वृश्चिक राशि वालों, आपके सितारों के बारे में बात करते हैं। भाई कल के दिन जो भी आप काम करने के बारे में सोचेंगे उसमें आपको विजय तो जरूर मिलनी है, साथ ही के साथ ये भी हो सकता है कल के दिन आपका जो भी पार्टनर है वो थोड़ा सा आपसे गुस्सा हो जाए। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको कल के दिन के लिए क्या मैसेज देती हैं। कल के दिन के लिए आपको जो मैसेज आया है वो ये गाइडेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके आप कंसर्न जरूर लगते हैं मुझे, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको यहाँ पे देती हूँ सैजिटेरियस भाई, कर लेते हैं अब आपकी भी बात। तो फैमिली के साथ गेट टुगेदर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए। देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहती हैं। आपके लिए क्लियर इंटेंशंस का कार्ड आया है, तो जो भी चीज आप चाहते हैं पहले तो फिक्स होइए, एक चीज पे एडमेंट रहिए कि आपको अपनी जिंदगी में ये चीज चाहिए। कल के दिन के लिए अपने गुड लक मीटर में मैं आपको देती हूँ 63%। चलिए भाई कैप्रिकॉर्न्स आपके बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो फीमेल्स है वो अपनी लुक्स, अपने फेमिनिज्म को लेके कल बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहने वाली है, ऐसा टैरो कार्ड्स बताते हैं। साथ ही के साथ ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही लंबे समय से पैसा सेव तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसा सेव ही नहीं हो रहा है, तो पैसे को सेव करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यकीन मानिए आगे जाके बहुत काम आएगा ये पैसा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देती है। एंजल्स भाई आपके लिए पीस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो कल के दिन मैं अपने गुड लक मीटर में आपको यहाँ पे देती हूँ। चलिए क्यूरियस कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में बात। यहाँ पे हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, चीजें को समझाने की कोशिश करें। किसी भी एडिक्शन में अगर आप हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग या गैम्बलिंग या किसी भी सट्टेबाजी में अगर आप हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। एंजल्स कल के दिन आपको जो मैसेज देती है, क्लियर योर स्पेस। देखिए कार्ड भी यही आ गया, क्लियर योर स्पेस का मतलब है आपके सराउंडिंग में आपकी सिचुएशन मेंटली इमोशनली फिजिकली बहुत ही ज्यादा चीजें आपने ऑक्यूपाई या ग्रैब कर ली है। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको यहाँ पे देती हूँ। चलिए मीन राशि वालों कर लेते हैं आपकी राशि के ही बारे में बात। कल के दिन जो है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं। और भी एक चीज मैं बोलूंगी, जो भी आपकी सिचुएशन आपको लग रहा है कि दिक्कत है, यकीन मानिए वो एक्चुअल में दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, सिर्फ अभी के लिए आपको दिख रही है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे होगी फिर से मुलाकात। आपकी गुड लक एंजल कल अपनी पोटली में से लेकर आएगी आपके लिए नए टॉपिक्स, नई चीजें और बात करेंगे आपकी गुड लक टिप्स के भी बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।